आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टाग्राम एंड दराज शॉपिंग हॉल्स। वीडियो को एंड तक देखना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा ब्यूटी प्लेस। चलिए जी, अब हम अपना फर्स्ट पार्सल ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं फर्स्ट पार्सल के अंदर क्या निकलता है। जब तक मैं पार्सल ओपन कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली पहुंच सके। तो पार्सल मैंने ओपन कर दिया है। सो इसके अंदर मैंने एक हेयर बो मंगवाई थी जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। वैसे तो 2023 में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे थी, बट 2024 में कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड पर है ये हेयर बो। सो मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी ये, और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है हेयर्स पर। अच्छा, बालों को कर्ल करने के बाद अगर ये बो हम बालों पर लगाएं तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। अच्छा, इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बो आई है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, 100% आप लोग परचेज़ कर लें। और इसकी प्राइस की बात करें तो 30 की प्राइस है विद डिलीवरी चार्जेस, तो अफोर्डेबल बो है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की बो है। अच्छा, इस बो में और भी बहुत ज़्यादा कलर्स थे बट मुझे ब्लैक और वाइट में चाहिए थी, तो मैंने ब्लैक वाइट में मंगवाई थी, बट मुझे ब्लैक रिसीव नहीं हुई, ब्लैक बो मुझे रिसीव नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने कहा वो डैमेज प्रोडक्ट है। अब हम अपना सेकेंड पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, ये बो और ये वाला पार्सल भी चाइना से आया था, सो इसमें काफ़ी दिन लग गए थे आते आते, सो इस वजह से आई थिंक वो जो ब्लैक बो है तो उन्होंने कहा वो भी मैम डैमेज थी, तो इस वजह से हम लोग आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, सो वो रिटर्न होगी। इस पार्सल के अंदर से ये ब्रेसलेट्स निकले हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा कलर्स थे बट मुझे वाइट में चाहिए थे। ये मल्टी लेयर्स वाला ब्रेसलेट है, मतलब इसकी काफ़ी लेयर्स थी और इसकी प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये ब्रेसलेट्स हैं। अच्छा, अब हम इसकी प्राइस की बात करें तो 600 विद डिलीवरी चार्जेस इसकी प्राइस है, सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के ब्रेसलेट्स हैं। सो मैं इन ब्रेसलेट्स को रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लोगों ने परचेस करने तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इन ब्रेसलेट्स का लिंक मिल जाएगा। चलें अब हम इनको वेयर करके देखते हैं और देखते हैं कैसा लगते हैं वेयर करने के बाद। ओके, सो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। देखने में ये ब्रेसलेट जितने ब्यूटीफुल लग रहे थे ना, पहनने के बाद और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये ब्रेसलेट्स। चलें अब हम अपना थर्ड पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, इस शॉपिंग हॉल के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ इंस्टाग्राम से शॉपिंग की थी वो भी शेयर करूंगी, और दराज से कुछ शॉपिंग की थी वो भी शेयर करूंगी। सो इस पार्सल के अंदर से 2-in-1 स्ट्रेटनर एंड कर्लर निकला है। ये दराज का वायरल प्रोडक्ट था, बहुत ज़्यादा वायरल था। नोवा का ये स्ट्रेटनर एंड कर्लर है और इससे आप इजीली कर्ल कर सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, ये स्ट्रेट भी कर सकते हैं। बाकी जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर दूँगी अपने चैनल पर। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है तो मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर नहीं कर सकती। मैं अलग से इस पर वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये कर्ल करता है या नहीं और स्ट्रेट भी करता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल 2-in-1 कर्लर एंड स्ट्रेटनर है। ऑन एंड ऑफ का एक बटन है इसके ऊपर और ये पीछे लॉक के लिए बटन दिया हुआ है कि आप लॉक कर लें, उसके बाद कर्ल कर सकते हैं ईजिली। या आप लोग देख सकते हैं ऊपर आपको कर्ल के लिए पूरा सिस्टम दिया हुआ है ये स्ट्रेटनर के ऊपर। स्ट्रेटनर की लीड जो है उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, बाकी साइज वाइज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, नॉर्मल साइज़ का है और दिखने में तो बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। अब यूज़ करने में पता चलेगा कि काम भी कर रहा है कि नहीं। अब हम अपना फोर्थ पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। अच्छा, इस पार्सल को देखकर ऐसे लग रहा है इस पार्सल के अंदर ड्रेस है, क्योंकि मैंने कुछ ड्रेसेस ऑर्डर की थी इंस्टा से। अच्छा, ये इंस्टा का पेज था, यहाँ से मैंने ड्रेसेस ऑर्डर की थी, मैंने यहाँ पर पिन कर दिया है आप लोगों के लिए। तो पार्सल मैंने ओपन कर दिया है और इस पार्सल के अंदर से ड्रेस ही निकला है, और यहाँ पर मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था। मैंने आई थिंक 3 ड्रेसेस ऑर्डर किए थे इंस्टाग्राम से, और उसमें से ये पहला ड्रेस है और ये बहुत ज़्यादा प्रिटी ड्रेस था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। अच्छा, ये साथ में इसके बेल्ट दिया गया है, साथ में शर्ट दी गई है और फ्रॉक दिया गया है। अच्छा, शर्ट और फ्रॉक को वेयर करने के बाद ये बेल्ट वेयर करना है और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है ये वेयर करने के बाद। और इसकी प्राइस की बात करें तो 2800 इसकी प्राइस है, और यहाँ पर मैंने पिन कर दी है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं इसका फुल लुक किस टाइप का है।
क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का ड्रेस है, और आप लोग देख सकते हैं सेम ड्रेस ही इन्होंने सेंड किया है मुझे, और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं सेम टू सेम कलर वगैरह और स्टफ़ वगैरह सेम है। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ड्रेसेस हैं इनके। अच्छा, इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है ड्रेसेस की। मेरी तरफ से ये ड्रेस रिकमेंडेड है, अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी इंस्टा की लिंक, तो वहाँ पर जाकर आप लोग परचेस कर लेना। अच्छा, मैंने इनके स्टफ़ का पूछा था तो इन्होंने कहा था कि ये इटालियन जॉर्जेट है, और मैंने कहा था ये समर का स्टफ़ है या फिर ये विंटर का है, तो इन्होंने कहा था समर का है मैम, बट ये जब मुझे डिलीवर हुआ तो लग रहा है समर स्टफ़ तो नहीं लग रहा है, थोड़ा गर्म सा कपड़ा है, सो समर्स में तो नहीं पहन सकते, और आजकल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी इस ड्रेस की स्टिचिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टिचिंग की हुई है। वीडियो तो देखते हैं बट कॉमेंट करने में कुछ कंजूसी करते हैं, कंजूसी ना किया करें, कॉमेंट किया करें ताकि मुझे पता चले कि अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें वीडियो को। साथ में इसके ये जो फ्रॉक है इसका आप लोग स्टफ़ देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टफ़ है, वही बात है विंटर स्टफ़ है, समर स्टफ़ नहीं है ये है, तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस। बाकी ये ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं ड्रेसेस। अच्छा, ये सिंगल ड्रेस है, इसके साथ ना दुपट्टा है ना शलवार है। चलें अब हम अपना फिफ्थ पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। सो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने ड्रेसेस ऑर्डर की थी, तो पार्सल के अंदर भी ड्रेस ही होगी। अच्छा, मैंने ब्लैक बेजर से एक सैंडल भी ऑर्डर किया था इस ड्रेस के साथ, बट वो मुझे अब तक रिसीव नहीं हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, कोई 15 दिन हो गए होंगे, इनकी सर्विस को पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, मैंने कॉल्स वगैरह भी की थी तो कहते थे, रोज़ ही ये कहते थे कि मैम कल आएगा, बट अब तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो अब क्या मुझे रिसीव होगा वो सैंडल। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, उसकी वजह से मेरा शॉपिंग हॉल काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी सैंडल रिसीव हो तो एक साथ ही ऑर्डर्स ओपन कर लूँ इसी शॉपिंग हॉल में। मैंने ये ड्रेस पिन कर दी आप लोगों के लिए, फुल लुक इसका देख लें इस वीडियो में। बाकी स्टफ़ की बात करें तो सेम स्टफ़ है, वो जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर की ड्रेस वैसा ही स्टफ़ है, और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ये वाला ड्रेस, उससे अफोर्डेबल है क्योंकि इसकी प्राइस है 2600 रुपीज़। हम अपना सिक्स पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इस पार्सल के अंदर क्या है। पार्सल मैंने ओपन कर दिया है और इस पार्सल के अंदर भी एक ड्रेस निकला है, इंस्टाग्राम के एक पेज से ऑर्डर किया था और पेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बाकी ड्रेस की बात करें तो ये 2-पीस ड्रेस है और इसकी प्राइस है 3200 रुपीज़, डिलीवरी के साथ 3400 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसकी स्टफ़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ है इसका। बाकी ट्राउज़र की स्टिचिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से की हुई है और प्लेन सा हमारा ट्राउज़र। यो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अटैच कर रही हूँ ड्रेस के फुल लुक की, आप लोग देख लें, और आप लोग देख सकते हैं कि सेम टू सेम ड्रेस इन्होंने सेंड किया है, आप लोग वीडियो में देखें और यहाँ पर जो मैं आप लोगों साथ ओपन करके ड्रेस शेयर कर रही हूँ वो वाला ड्रेस भी देखें, तो सेम ड्रेस है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के ड्रेसेस हैं। आप लोगों ने परचेस करने हैं तो परचेस कर लेना, लिंक शेयर कर दूंगी, और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने पैसों से ये ड्रेसेस परचेस किए थे, और अच्छी क्वालिटी का स्टफ़ है इन ड्रेसेस का, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये ड्रेसेस रिकमेंड कर रही हूँ। बाकी ड्रेस की स्टिचिंग आप लोगों के सामने है कि कितनी ज़्यादा सफाई से की हुई स्टिचिंग है। बाकी बैक साइड पे इसके ज़िप लगी हुई है क्योंकि इसका गला कॉलर वाला है तो पहनने में थोड़ा आसानी हो। अच्छा, अब हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स भी डिज़ाइन वाली बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं लास्टिक वाली स्लीव्स बनी हुई हैं, जो लास्टिक लग के स्लीव्स बनती हैं, सो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। और ड्रेस की अगर हम बात करें तो आगे से लेस लगी हुई है नीचे तक, बैक साइड इसकी सिंपल बनी हुई है और फ्रंट जो है वो दो जगह से कट की हुई है। बाकी आप लोगों ने फुल इसकी लुक तो वीडियो में देखी होगी और नीचे तक इसका लेस लगी हुई है। अब हम अपना सेवन्थ पार्सल ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अच्छा, मैंने 2-पीस कुछ ड्रेसेस परचेस की थी घर में पहनने के लिए, और इसका जो स्टफ़ है वो स्विस लोन का स्टफ़ है, ये भी स्टिच की हुई 2-पीस ड्रेसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग वगैरह, सिंपल सा ट्राउज़र बना हुआ है, स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी की हुई है, बाकी क्वालिटी कपड़े की बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्विस लॉन है, 2-पीस है। और दूसरा जो है ये जो प्रिंटेड ड्रेसेस आते हैं वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, सो मैंने कहा घर में पहनने के लिए ले ही लेती हूँ, गर्मियों के हिसाब से ये ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं घर में पहनने के लिए। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी कुर्ती शेयर करती हूँ, तो कुर्ती पर गले की साइड आप लोग देख
देख सकते हैं हल्का फुल्का सा डिज़ाइन किया हुआ है। बाकी ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी घर में पहनने के लिए। और कलर आप लोग देखें कितना प्रिटी कलर है। अच्छा आजकल ये प्रिंटेड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, शलवार और कमीज सेम सेम। अच्छा बाकी ये पूरी सिंपल कुर्ती है, स्लीव्स वगैरह भी सिंपल है, सिर्फ गले पर थोड़ा बहुत डिज़ाइन किया हुआ है। स्लीव्स पर बिल्कुल सिंपल पाइपिंग लगी हुई है, दामन पर भी पाइपिंग लगी हुई है। चलें अब हम अपना 8th पार्सल ओपन करते हैं। तो 8th पार्सल के अंदर भी हमारे पास एक ड्रेस है, तो ये भी 2-पीस ड्रेस है स्विस लॉन की। ये भी स्टिच की हुई ड्रेस है और आप लोग देख सकते हैं इसकी स्टिचिंग वगैरह। ये भी सिंपल है, इतनी कोई डिज़ाइनिंग वाली ड्रेस नहीं है। ये कुर्ती है, इसकी कुर्ती पर आप लोग देख सकते हैं नीचे बो वाला डिज़ाइन किया हुआ है। और इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल सिंपल है, एज़ यू कैन सी कि कितना प्रिटी लग रहा है ये बो वाला डिज़ाइन। कुर्ती का जो गला है वो भी सिंपल बना हुआ है। और इसकी अगर हम स्लीव्स की बात करें, स्लीव्स भी सिंपल सी बनी हुई है, दामन वगैरह भी सिंपल सी बनी हुई है। साथ अगर हम मैचिंग करके क्रिंकल के दुपट्टे लेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेंगे ये वेयर करने के बाद ड्रेसेस। स्टफ क्वालिटी सेम है, जो पिछली मैंने आप लोगों के साथ ड्रेस शेयर की वो ही स्विस लॉन के ड्रेसेस हैं ये, और अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस हैं। ट्राउज़र मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि सिंपल ट्राउज़र्स बने हुए हैं और स्टिचिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छे से की हुई है ट्राउज़र और कुर्ती की दोनों की। अच्छा प्रिंट की बात करें तो प्रिंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रिंट हैं इन ड्रेसेस के। चलें अब हम अपना 9th पार्सल ओपन करते हैं और इस वीडियो का आखिरी पार्सल है ये। सो ये भी एक ड्रेस है स्विस लॉन वाला, वही 2-पीस ड्रेस है ये। चलें इसको ओपन करते हैं। अच्छा यहाँ पर इसका आप लोग गला देख सकते हैं कि कितना प्रिटी गला बना हुआ है, पर्ल वाला गला बना हुआ है। और बाकी पूरी कुर्ती सिंपल है, गले पर इसके काम किया हुआ है, बाकी स्लीव्स और जो दामन है वो बिल्कुल सिंपल है। सो यहाँ पर गले पर पाइपिंग भी लगी हुई है और साथ में पर्ल भी लगे हुए हैं, और पर्ल चिपके हुए नहीं हैं, बाकायदा लगाए हुए हैं, जैसे हाथ से लगाते हैं ना वैसे लगाए हुए पर्ल हैं। और इन ड्रेसेस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और अफोर्डेबल ड्रेसेस हैं ये। स्लीव्स आप लोग देख सकते हैं, सिंपल पाइपिंग वाली स्लीव्स हैं इसकी। अच्छा इस ड्रेसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रिंट्स थे, बहुत अच्छे प्रिंट्स थे समर के हिसाब से। अच्छा इसका ट्राउज़र भी सिंपल स्टिच किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को आज का शॉपिंग हॉल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, टिकटॉक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी अपनी इंस्टा आईडी और टिकटॉक आईडी का, तो काइंडली फॉलो कर देना। और आज की वीडियो यहाँ तक ही थी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।